गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। हम हमारे आज का वीडियो का टॉपिक है कि हम अपने यूट्यूब के वीडियो पर जो हमारे द्वारा डाला गया है उस वीडियो पर हम थंबनेल कैसे लगा सकते हैं। तो हम आज की वीडियो में यही सीखेंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने वीडियो पर। तो सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। सीधा सिंपल बताता हूँ, अपना प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पे सर्च बार में लिखना है YouTube Studio। ये सर्च करने के बाद जो फर्स्ट में आएगा उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करते ही जैसे ही आपके इस तरह का इंटरफेस होगा, और ये YouTube Studio का एक ऐप है, तो इसको मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है ताकि हमारा ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो हम इसको डायरेक्ट इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम ये YouTube Studio के अंदर आ गए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ से जो हमारा लेटेस्ट वीडियो डाला है हमने, लेटेस्ट वीडियो, इसके अंदर हम थंबनेल कैसे चेंज कर सकते हैं और डाल सकते हैं। तो हम इस पर चलते हैं। इसके पहले मैं आपको बता देना हूँ, YouTube Studio के अंदर हम किसी भी वीडियो हमारे द्वारा जो डाला गया है उसके अंदर, किसी भी वीडियो के अंदर हम थंबनेल को चेंज कर सकते हैं। एक बार डालने के बाद, अपलोड करने के बाद हम कभी भी हम वीडियो के थंबनेल को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे व्यू मोर के अंदर सब सारे ऑल वीडियोज आ जाएंगे। तो हम यहाँ से कोई सा भी वीडियो लेके हम उसको, उसके थंबनेल को चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम बैक आ जाते हैं और यहाँ से जो हमारा वीडियो है हाउ टू चेक गूगल एडसेंस ट्रांजेक्शन स्टेटस, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ से जो ये फर्स्ट में ऊपर आ रहा है पेंसिल का निशान, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये उसका इंटरफेस इस तरह से होगा। तो हम यहाँ से हमारा जो टाइटल है उसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ से डिस्क्रिप्शन को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से पब्लिक हो रहा है, पब्लिक में पब्लिश हो रहा है तो इसको अनलिस्टेड या प्राइवेट भी कर सकते हैं, ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हमारी प्लेलिस्ट चूज कर सकते हैं, टैग डाल सकते हैं और भी बहुत कुछ हो सकता है, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो हम सबसे पहले हमारे जो मेन वीडियो है उसके ऊपर चलते हैं। तो हमारा जो थंबनेल चेंज करना है उसको, ये बेसिक इंफॉर्मेशन का ऑप्शन आ रहा है, इसके नीचे ही जो फर्स्ट में ये पेंसिल का निशान है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे जो भी वीडियो के जो दो या तीन ये वीडियो के ही थंबनेल आ जाएंगे। तो हम इसमें से भी कोई भी चूज कर सकते हैं और यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम चेंज के ऑप्शन पर जैसे ही जाएंगे तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो हम यहाँ से हमारा वो चूज कर लेंगे। तो जैसे कि मेरे को ये चूज करना है तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करते ही यहाँ से सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करते ही ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ से सेव कर देते हैं। तो जैसे ही हम सेव करेंगे ये वीडियो का थंबनेल लग जाएगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मेरा और वो बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन वाला चालू कर दें, ताकि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।